सो टेक फैमिली, आज हम बात करेंगे टॉप थ्री बेस्ट लैपटॉप की जो कि आप 40,000 के प्राइस रेंज में ले सकते हो। लाइक अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आपको एज अ क्रिएटर काम करना है, या फिर अगर आपको ऑफिस वर्क के लिए चाहिए, मतलब अगर आपको प्रेजेंटेशन रेडी करनी है, एमएस ऑफिस पे काम करना है, आप सभी के लिए ये लैपटॉप बेस्ट होने वाले हैं। प्लस जितने भी लैपटॉप बताऊंगा ना, आपको लाइट वेट लैपटॉप देखने को मिलने वाले हैं। तो वीडियो के साथ बने रहना, मतलब आपको बेनिफिट करने वाली है ये वीडियो अगर आपका बड़े 40,000 है एंड अगर आपको लैपटॉप परचेज करना है। अभी बात कर लेते हैं नंबर थ्री की। सो नंबर थ्री की बात करूँ, नंबर थ्री पे यार मैंने रखा है असूस की ओर से लैपटॉप। मैं बात कर रहा हूँ असूस वेबुक फॉर्म की। तो सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बता देना चाहता हूँ, आपको 2021 मॉडल देखने को मिल जाता है। इसके प्राइस रेंज की भी बात कर लेते हैं तो आपको 41,000 के प्राइस रेंज में अप्रॉक्स देखने को मिल जाता है। आपको 40,000 के प्राइस रेंज में भी मिल सकता है, प्राइस ऊपर नीचे जा सकता है, ठीक है। अमेजोन पे प्राइस फिक्स नहीं होता, मैं अपनी हर एक वीडियो में कहता हूँ। अभी बात करते हैं इसके मेन स्पेसिफिकेशन की। तो डिस्प्ले से स्टार्ट कर देते हैं, आपको 4 इंच के साथ डिस्प्ले देखने को मिलेगी। फुल HD डिस्प्ले है जो कि 220 nits brightness के साथ देखने को मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद इसमें ना आपको i3 11th generation processor देखने को मिल जाता है। तो Intel की ओर से 11th generation i3 मतलब latest processor है, ठीक है। आपको 3.0 GHz की base speed मिलेगी, 4.1 GHz की turbo boost speed देखने को मिल जाती है, and 2 core plus 4 thread वाला ये प्रोसेसर है, ठीक है। एंड अगर आपको एज अ क्रिएटर काम करना है, एनिमेशन वगैरह भी करना चाहते हो, तो आप इस लैपटॉप में कर सकते हो, वहाँ पर दिक्कत नहीं आने वाली। 8 GB रैम मिल जाती है, अपग्रेड करने का ऑप्शन भी मिल जाता है, प्लस आपको 256 GB SSD देखने को मिल जाती है। प्लस ना इसमें आपको HDD स्लॉट भी देखने को मिल जाता है, तो आप 1 TB HDD जो है वो इंस्टॉल कर सकते हो अपने लैपटॉप में। लेकिन आपने ना 5400 RPM वाली HDD नहीं लेनी, अगर आपने लेनी है ना तो आपने 7200 RPM वाली HDD लेनी है, ये चीज़ आप ध्यान में रखना, ठीक है। Intel Ultra HD ग्राफिक कार्ड इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 10 मिल जाती है, MS ऑफिस भी मिल जाता है 2019 वर्जन। प्लस मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ, आपको फ्री अपग्रेड भी मिल जाता है, विंडो 11 आप इंस्टॉल कर सकते हो, पोर्ट्स आपको सभी मिल जाएंगे, 6 आवर्स का बैटरी बैकअप मिल जाता है। अगर मैं पोर्ट्स की बात करूँ ना, आपको HDMI पोर्ट, Type-C, Type-A, MicroSD कार्ड एंड ऑडियो जैक वगैरह, मतलब हर एक पोर्ट वगैरह भी देखने को मिल जाता है। Wi-Fi 5 की सपोर्ट देखने को मिलेगी, चेकलेट कीबोर्ड्स के साथ देखने को मिलता है, फिंगरप्रिंट रीडर भी मिल जाता है। एंड मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा था कि आपको ना ये थिन एंड लाइट वेट भी देखने को मिल जाता है। तो भी अगर आपने जाना है असूस वेबुक फॉर्म की ओर, तो भाई आप जा सकते हो। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन ना मैंने आपको बता दिया असूस वेबुक फॉर्ड इनके। तो भी अगर आपको लाइट वेट लैपटॉप चाहिए एंड अगर आपका बजट 40,000 से लेके 41,000 तक है, तो भी आप इस लैपटॉप की ओर जा सकते हो। पैसा वसूल होने वाला है, एज अ क्रिएटर काम करना, ऑफिस वर्क के लिए चाहिए, स्टूडेंट हो, कॉलेज में पढ़ते हो, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, आप सभी के लिए बेस्ट डील होने वाला है, ठीक है। एंड अगर आपको वीडियो एडिटिंग वगैरह भी करनी है ना, 1080p पर आप कर सकोगे, आपको दिक्कत नहीं आने वाली, वहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। एंड अगर आपको फोटोशॉप पे काम करना है, कॉरल ड्रॉ पे काम करना चाहते हो, आप वो भी कर लोगे, वहाँ पर भी आपको मतलब ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। अगर आप बहुत ही ज़्यादा हैवी फाइल पे काम कर रहे हो तब आ सकती है, अगर आपको नॉर्मल यूज़ करना है तो वहां पर दिक्कत नहीं आएगी भाई, नॉर्मली यूज कर लोगे, पैसे खराब नहीं होने वाले। रैम अपग्रेड करने का ऑप्शन मिल जाता है, स्टोरेज का भी कोई पंगा नहीं है, i3 11th जनरेशन मिल जाता है। तो 40,000 के प्राइस रेंज में आपको i3 11th जनरेशन ही प्रोसेसर देखने को मिलता है। एंड आपने मिनिमम i3 11th जनरेशन की ओर जाना ही जाना है। किसी लैपटॉप में अगर आपको i3 10th जनरेशन भी मिलता है ना, तो आपने नहीं जाना। अगर आप राइजन प्रोसेसर की ओर जाने हो, आपने राइजन 3 जो 3rd generation प्रोसेसर आते हैं ना, उनकी ओर बिल्कुल भी मत चले जाना, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखना, i3 11th जनरेशन प्रोसेसर मिनिमम लेना ही लेना है, ठीक है। अभी आगे बात करते हैं नंबर 2 की। सो नंबर 2 की बात करते हैं, नंबर 2 पे यार मैंने रखा है HP फॉर्डन को। तो यार सबसे ज़्यादा मैसेज ये आते हैं कि भाई मेरे को HP का लैपटॉप चाहिए, ठीक है। मैं लाइक असूस का लैपटॉप बता देता हूँ, लिनोवो का लैपटॉप बता देता हूँ, लेकिन लोगों की डिमांड फिर से यही आती है कि भाई मेरे को इतने प्राइस रेंज में HP का लैपटॉप नहीं मिल सकता। तो अगर आप भी उनमें से आते हो, एक आपका ट्रस्ट बन चुका है अगर HP लैपटॉप की ओर, तो भी आप जा सकते हो HP फॉर्डन की ओर। अगर मैं इस लैपटॉप की बात करूँ, प्राइस रेंज से स्टार्ट कर देते हैं, तो आपको 40,000 के प्राइस रेंज में ये लैपटॉप देखने को मिल जाता है। अभी अमेजोन पे अवेलेबल है, आगे जाकर इसका प्राइस भी ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। अमेजोन पे प्राइस फिक्स नहीं होता, लेकिन 40,000 के प्राइस रेंज में ये स्पेसिफिकेशन आपको मिल जाते हैं। मैंने आपको बार बार रिपीट यही चीज़ कर दी, ठीक है। मैं ऐसे इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज आप मुझे बोलना मत कि यार
तू मेरे को ये चीज़ बोल रहा है लेकिन इसका प्राइस ऐसे है या वैसे है, तो यार अमेजोन पे फिक्स नहीं होता, इसका प्राइस आपको 43,000 भी मिल सकता है एंड इसका ही प्राइस आपको 40,000 भी मिल सकता है, तो आपको चेकआउट करते रहना पड़ेगा। अभी बात करते हैं स्पेसिफिकेशन की, तो आपको ना 14 इंच के साथ इसमें डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, फुल HD डिस्प्ले है जो कि आपको 250 nits ब्राइटनेस के साथ देखने को मिल जाती है। 8GB रैम मिलेगी, 16GB अपग्रेड करने का ऑप्शन भी मिल जाता है, इसमें आपको 1TB HDD देखने को मिल जाती है। तो यार HDD जो है ना मैं रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करता, इस लैपटॉप को मैं आपको इसीलिए रिकमेंड करता हूँ बिकॉज ना इसमें आपको M.2 NVMe SSD स्लॉट मिल जाती है, तो इन फ्यूचर आप SSD इंस्टॉल कर सकते हो, यहाँ पर प्लस पॉइंट आ जाता है। सो दैट्स वाई मैंने इसको लैपटॉप को रख लिया इतने प्राइस रेंज में। HP जो लैपटॉप है ना, HP 14 हो गया, आपको SSD नहीं प्रोवाइड कर रहा, मतलब 40,000 के प्राइस रेंज में अगर आपको 256 GB मिल जाती है इतने प्राइस रेंज में यही स्पेसिफिकेशन के साथ, तो भाई आप ले सकते हो, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। लेकिन इसमें भी आपको M.2 NVMe SSD स्लॉट मिल जाती है, इन फ्यूचर आप इंस्टॉल कर सकते हो, तो यहाँ पर भी कोई पंगा नहीं। अगर आप ये लैपटॉप भी ले लेते हो, पैसा वसूल होने वाला है। इसमें भी आपको i3 11th जनरेशन प्रोसेसर मिल जाएगा, इंटेल अल्ट्रा HD ग्राफिक कार्ड देखने को मिल जाता है, प्लस आपको अलेक्सा बिल्ट इन भी देखने को मिल जाता है, विंडो 10 देखने को मिलेगी, प्लस आपको फ्री अपग्रेड भी मिल जाता है, मतलब विंडो 11 इंस्टॉल कर सकते हो, MS ऑफिस मिल जाता है, 2019 वर्जन पोर्ट्स आपको इसमें भी सारे मिल जाते हैं, 4 to 5 hours का बैटरी बैकअप आपको मिल जाएगा अगर आप ज़्यादा हैवी यूज़ करोगे, एंड आपको ना 6 to 7 hours का बैटरी बैकअप मिलेगा अगर आप नॉर्मल यूज़ करते हो, ठीक है। वो आप पर है कि आप कौन सा काम कर रहे हो, कैसे काम कर रहे हो। अगर आप बहुत ज़्यादा लैपटॉप को यूज़ कर रहे हो तो आपको भी पता है यार आपको 4 to 5 hours का बैटरी बैकअप ही देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ, अगर आप लाइक HP लवर हो या अगर आपका एक ट्रस्ट बन चुका है HP की ओर से, तो आप जा सकते हो HP 14 की ओर, जो इसका बाइंग लिंक है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया। अगर आपने चेकआउट करना है, स्पेसिफिकेशन पढ़नी है, फोटोज़ देखनी है, रिव्यूज़ वगैरह पढ़ना चाहते हो, मतलब जैसे भी करना चाहते हो ना, तो आप कर सकते हो। मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ, इसमें आपको HDD मिलती है, मैं रिकमेंड नहीं करता, लेकिन आपको M.2 NVMe SSD मिल जाती है, आप इन फ्यूचर SSD इंस्टॉल कर सकते हो इस लैपटॉप में, इसीलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, ठीक है। बाइंग लिंक मैंने दे दिया, अभी आगे बात करते हैं नंबर 1 की। नंबर 1 की बात करूँ, नंबर 1 पर यार मैंने रखी है लाइक अगर आपको लाइक कलर ग्रेडिंग करने के ज़्यादा शौकीन हो ना, या डिस्प्ले बेस्ट चाहिए एंड हैंडी लैपटॉप चाहिए, लाइट वेट लैपटॉप चाहिए, तो भाई आप जा सकते हो Realme Book लैपटॉप की। और अगर मैं इस लैपटॉप की बात करूँ ना, आपको 41,000 के प्राइस रेंज में देखने को मिल जाते हैं। इसके कलर, इसका डिज़ाइन, इसकी लुक वगैरह बहुत ज़्यादा सही है, लाइक एप्पल मैकबुक की ये कॉपी हम कह सकते हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये बनी हुई है, सेम डिज़ाइन है, सेम लुक वगैरह आपको देखने को मिल जाते हैं। तो भाई अगर आपको एज अ कॉपी चाहिए मैकबुक भी, तो आप जा सकते हो Realme Book की, और एंड ये आपको 41,000 के प्राइस रेंज में देखने को मिल जाती है, ठीक है। हर एक चीज इसमें बेस्ट देखने को मिल जाती है, 2K डिस्प्ले आपको मिल जाती है, वो भी 40,000 के प्राइस रेंज में, आपको कोई लैपटॉप भी प्रोवाइड नहीं करता 2K डिस्प्ले, लेकिन Realme लैपटॉप में मिल जाती है। लेकिन इसका एक माइनस पॉइंट भी है, माइनस पॉइंट ये है कि आपको 8GB रैम मिल जाती है, अपग्रेड करने का ऑप्शन नहीं मिलता, ये सिर्फ इसका माइनस पॉइंट देखने को मिल जाता है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखना जब आप बाय करोगे। 8GB रैम मिल जाएगी, इन फ्यूचर आप रैम को अपग्रेड नहीं कर सकते, इन फ्यूचर आपको दिक्कत आने वाली है। अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, मैं आपको ये लैपटॉप रिकमेंड नहीं करता। अभी बात कर लेते हैं इसके मेन स्पेसिफिकेशन की, तो आपको 14 इंच के साथ कॉर्ड HD डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जो कि 100+ sRGB के साथ देखने को मिल जाती है। मैंने आपको पहले कह दिया कि इसकी डिस्प्ले बेस्ट होने वाली है, कलर ग्रेडिंग करने के ज़्यादा शौकीन हूँ, आपका एक्सपीरियंस बेस्ट होने वाला है। i3 11th जनरेशन देखने को मिलेगा, 8GB रैम मिल जाती है, 256GB SSD देखने को मिल जाती है, इंटेल अल्ट्रा HD ग्राफिक कार्ड देखने को मिल जाएंगे, 11 आवर्स का बैटरी बैकअप मिल जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 10 देखने को मिल जाता है, फ्री अपग्रेड भी मिल जाता है, विंडो 11 इंस्टॉल कर सकते हो, प्लस इसमें ना आपको MS ऑफिस भी मिल जाता है 2019 वर्जन। उसके साथ साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये बैकलिट कीबोर्ड के साथ आती है, सुपर स्लिम डिजाइन देखने को मिलेगा, डुअल फैन कूलिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है, इसमें भी आपको पोर्ट्स वगैरह सारे मिल जाएंगे, 720p वेब कैमरा मिल जाता है, 2 कलर्स में देखने को मिलती है, रियल ब्लू कलर में एंड रियल ग्रे कलर में। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया Realme Book के, तो भाई अगर आपको इस लैपटॉप की ओर जाना है भाई आप जा सकते हो, पैसा वसूल है, लैपटॉप में कोई भी कमी नहीं है, सिर्फ एक कमी को छोड़कर 8GB रैम,
लेकिन अपग्रेड करने का ऑप्शन नहीं मिलता। तो यार अभी मैंने आपको टॉप 3 लैपटॉप बता दिए जो कि 40,000 के प्राइस रेंज में बेस्ट है। अभी मैं आपको एक लैपटॉप और सजेस्ट कर देता हूँ, अगर आप लिनोवो लवर हो तो भाई आप जा सकते हो लिनोवो आइडियापैड स्लिम 3 की ओर। ये स्पेसिफिकेशन भी आपको अच्छे प्रोवाइड कर देता है, जो असूस वेबुक 14 में मिलते हैं वही स्पेसिफिकेशन आपको इसमें भी देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आप असूस लवर हो आप असूस की ओर जा सकते हो, अगर आप लिनोवो लवर हो आप लिनोवो की ओर जा सकते हो। मैं वैसे चारों के जो बाइक लिंक है ना आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, अगर आपको कोई भी लैपटॉप पसंद आता है भी आप ले सकते हो। अभी बात करते हैं कि इनमें से लैपटॉप कौन सा लेना चाहिए। भाई अगर आपका ट्रस्ट बन चुका है HP की ओर तो भाई आप HP की ओर जाना, और किसी लैपटॉप की ओर जाने की ज़रूरत नहीं है। रियलमी लैपटॉप आप तभी लेना जब आपको पता है कि आप यार 2 साल बाद अगर आप लैपटॉप चेंज कर सकते हो, थोड़ा पैसा है आपके पास तो आप जा सकते हो। लेकिन अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो ना भाई, लैपटॉप अच्छा है लेकिन आपको ना इन फ्यूचर दिक्कत आने वाली है, बिकॉज 8GB रैम आज काम चल जाता है लेकिन इन फ्यूचर आपको भी पता है कि लैपटॉप की डिमांड बहुत बढ़ रही है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर की जो डिमांड होगी ना वो भी बढ़ने वाली है, तो 16GB रैम 32GB रैम ऐसे होने वाली है। तो मेरे अकॉर्डिंग रैम अपग्रेड करने का अगर आपको ऑप्शन मिल जाता इस लैपटॉप में, वैसे तो अभी नहीं मिल रहा, अगर इसमें मिल जाता ना तो मैं आपको रिकमेंड करता, इसीलिए मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा बिकॉज इसमें नहीं मिलती। तो मेरी फीलिंग आप समझ सकते हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो यार अभी मेरी वीडियो यहीं पर हो जाती है, तब अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ। थैंक यू।